हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे सुपर क्रीमी और सुपर टेस्टी चिकन काली मिर्च। बहुत ही सिंपल रेसिपी मैं बताऊंगी और खाने में ये बहुत ही लाजवाब टेस्टी बनेगी। चलिए फटाफट रेसिपी देख लेते हैं। ये देखिए हमारी चिकन है, यहाँ पर 1 किलो चिकन है। बहुत अच्छे से मैंने धो लिया है और धोने के बाद पानी झड़ा कर रख दिया है। सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट कर लेना है। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं लूँगी काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पर 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। नॉर्मली जो साबुत काली मिर्च होती है तो उसको मैंने हल्का सा रोस्ट करके मिक्सी में पीस लिया था, तो उसी का मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया है। और 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून नहीं है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम है, ये ले रही हूँ मैं काली मिर्च का क्रश, मतलब हल्का सा भून कर काली मिर्च को मैंने कूट लिया है। ये दोनों ही डालना ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ स्वादानुसार, 1/2 टीस्पून डाला है। और ये है दही, यहाँ पर 3/4 कप दही है। ये खट्टी दही है, थोड़ा ज़्यादा खट्टा है। दही हम डाल देंगे। दही को हल्का सा फेंट लिया था और जब मैरिनेट करेंगे हाथ से मिलाएंगे तो पूरा ही अच्छे से फेंट जाएगा। अच्छे से मिलाना है, इसमें और कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ नमक, दही और काली मिर्च डाल के इसको मैरिनेट करना है और रख देना है 1/2 से 1 घंटे के लिए। हो सके तो फ्रिज के नॉर्मल चैम्बर में रखें। हमारा अच्छे से मिल चुका है, अभी हम ढक के रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। मसालों में मैंने लिया है कुछ लहसुन, 22 से 25 का लिया होंगे, स्वादानुसार कुछ हरी मिर्च लिया है और यहाँ पर 2 इंच जितना अदरक लिया है स्लाइसेस में काट के, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, 3 बड़े साइज़ का प्याज है जिनको मैंने मोटा मोटा स्लाइसेस में काट लिया है। बारीक नहीं काटना है, मोटा मोटा काटेंगे तो भी चलेगा। अभी चलिए कढ़ाई ले लेते हैं। मैंने इंडक्शन पर कढ़ाई बिठाया है, हीट चालू किया है, थोड़ा तेल डाल देंगे। मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल रही हूँ, आप चाहे तो 1 चम्मच भी डालें तो भी चलता है, क्योंकि अभी हमें ग्रेवी के लिए मसाला ही बनाना है सिर्फ। मैंने 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है, जीरे के साथ साथ हमें अदरक और लहसुन भी डाल देना है। अदरक लहसुन को हल्का सा फ्राई करना है, हल्का सा लाल कलर आने देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। लहसुन हमने काटा नहीं है, काटने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही डाल दिया है। अदरक और लहसुन का कलर जब हल्का सा लाल हो जाएगा उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें बिल्कुल भी ज़्यादा भुनना नहीं है, हल्का सा भुनना है, मतलब हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक ही भुनना है। अच्छे से थोड़ा छोड़ा लेते हैं और हल्का सा भून लेते हैं। अभी हमने डाल दिया है मिर्ची और मिर्ची के साथ साथ हमने डाला है पानी, थोड़ा सा ही पानी डाला है, ज़्यादा नहीं। ऐसे थोड़ा सा पानी के साथ हमें इसको भून लेना है। अभी इसके साथ साथ और कुछ चीज़ें हमें डालना है जो कि मैंने पहले ही भिगो कर रखा था। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ काजू लिया है, कुछ बादाम लिया है और कुछ खरबूजे के बीज लिया है। इनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा था, 1/2 घंटा भी भिगोएंगे तो भी चलेगा। तो अच्छे से भीगने के बाद मैंने अच्छे से धो लिया है, अभी इनको डाल देंगे प्याज के साथ। प्याज को ऐसा करके पानी के साथ कुक करने से ना ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी आएगा, बहुत ही क्रीमी ग्रेवी होगी और कलर भी बहुत अच्छा आएगा, कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अभी इसके साथ साथ हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, हमने मैरिनेशन के समय नमक डाला था तो उस हिसाब से यहाँ पर नमक डालें। नमक डाल के अच्छे से मिला देंगे और ढक कर पकाएँगे तब तक जब तक कि इसका पानी पूरा सूख नहीं जाता। हीट को मीडियम पर ही रखेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है। अभी हम हीट को बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे, मसालों को निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम ले लेंगे एक मिक्सर जार में। आप देख सकते हैं मैंने एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है मसाला ठंडा होने के बाद, बड़ा वाला मिक्सर जार लिया है मैंने। अभी मसाला पीसने से पहले इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के लेंगे थोड़ा ज़्यादा करके क्योंकि 1 किलो चिकन है। और डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला, यहाँ पर शाही गरम मसाला लिया है मैंने, नॉर्मल हो तो 1 टीस्पून यूज़ करें। अभी हम पीस कर लेंगे। मैंने मसालों का बहुत स्मूथ सा पेस्ट बना कर लिया है। पीसते समय मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी का इस्तेमाल किया है।
अब हमने कढ़ाई को फिर से बिठा लिया है, वही कढ़ाई है जिस कढ़ाई में हमने मसाला भुना था, और फिर से मैंने तेल डाला है। और तेल हल्का सा गर्म होने के बाद ही इसमें हम पेस्ट डाल देंगे, मसालों का पेस्ट। और मिक्सर जार को धोकर मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है, थोड़ा सा ही पानी डाला है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। तेल के साथ मसालों को अच्छे से मिला देना है। चिकन काली मिर्च हमेशा सफ़ेद कलर का ही होता है या तो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन यहाँ पर मैं सफ़ेद करने वाली हूँ। जितना सफ़ेद पॉसिबल है उतना मैं सफ़ेद ही रखूँगी, इसमें हल्दी पाउडर या लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे। ढक ढक कर पकाएंगे, हीट को लो टू मीडियम रखना है और मसालों की क्वांटिटी काफ़ी कम हो जाना तक हमें भून लेना है। बीच बीच में मैंने ढक्कन हटाकर चला दिया था और चेक कर लिया था। आप देख सकते हैं मसालों की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है और अभी तक तेल नहीं छोड़ा है इसने, तो उतने देर तक हमें वेट नहीं करना है। यहाँ पर हमें चिकन को ऐड कर देना है। चिकन को ऐड करेंगे और चिकन के साथ साथ ही मसाला बहुत अच्छे से भून जाएगा। आप देख सकते हैं जो मैरिनेटेड चिकन है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अभी चिकन के साथ मसालों को बहुत अच्छे से कोट कर लेना है, बहुत अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको ढक ढक कर पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में ढक्कन हटाकर चलाते ज़रूर रहेंगे। आपको एक बार दिखा देती हूँ, देखिए चिकन ने कितना पानी छोड़ दिया है, और भी पानी छोड़ने वाला है। तो एक बार चला देंगे और फिर से ढक देंगे, फिर से ढक देंगे और थोड़ी देर में फिर से इसको चेक करेंगे। देखिए अभी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी लग रही है, तो अब और नहीं ढकना है। अभी हम खोला ही पकाएंगे, लेकिन हीट को लो टू मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हीट बिल्कुल नहीं रखेंगे। मसाला थोड़ा ऊपर की तरफ छिड़क रहा है और आसपास गंदा हो रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा खोला करके ऐसे ढक दिया है। थोड़ी थोड़ी देर में मैंने चला दिया है, ये देखिए अभी क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है, मसाला बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है, मतलब ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है। देखिए ऊपर से तेल छोड़ने लग गया है। अभी चिकन को पकाते हुए मेरा 35 मिनट हो चुका है। ये बोनी पीसेस चिकन है तो 30 से 35 मिनट तक बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। अभी हम ऊपर से डाल देंगे 1/2 टीस्पून क्रश किए हुए काली मिर्च, और ये है धनिया के डंठल, नरम डंठल है। तो हम यहाँ पर पत्ते नहीं डालेंगे, क्योंकि धनिया के पत्ते से इसकी खुशबू और कलर दोनों ही चेंज हो जाएगा, और हरा धनिया की कड़क खुशबू से ये काली मिर्च की खुशबू फीकी हो जाएगी, इसीलिए हम धनिया के डंठल ही डालेंगे। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, शाही गरम मसाला, और ये है थोड़ा सा मलाई, दूध की मलाई, जिसको मैंने फेंट कर रखा है अच्छे से। इससे क्या होगा कि चिकन का टेक्स्चर और भी क्रीमी आएगा। अच्छे से मिला के 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करेंगे, उसके बाद हम हीट को बंद करेंगे और चिकन को सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी क्रीमी बनी है चिकन, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आया है, और खाने में ये बहुत ही डिलीशियस बना है। और प्रोसेस में भी इतना कुछ झमेला नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस मैंने बताया है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों आज के लिए यहाँ तक ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे, स्वस्थ रहे और खाते रहे। बाय बाय।